स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सारे ठीक तरह से होंगे। कोविड का जो कहर है, इसका जो जुल्म है, वो बढ़ता चला जा रहा है। इट हैज पुट लाइफ एट स्टेक, इसने जिंदगी को खतरे में डाला है। और बेहतरी इसी में है, वो तमाम एहतियाती कदम उठाने चाहिए, अपनाने चाहिए, जिनसे हमारी जान बच सके। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें फॉलो करना है, हमें अपनाना है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, जब लोगों से मिलना है, गैदरिंग में नहीं जाना है, भीड़ में नहीं जाना है, बार बार हाथ साफ करने हैं साबुन या सैनिटाइजर के जरिए, और हो सके, इफ इट्स पॉसिबल, अगर ये मुमकिन है, तो अपने घरों में बैठना है। यही एक तरीका है जिनसे जिनके जरिए जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, कोविड से बच सकते हैं। इट्स ओनली वे टू सेव आवर सेल्व्स फ्रॉम दिस डेडली वायरस। इस डेडली वायरस से हम बच सकते हैं बिकॉज इट्स थ्रू द ह्यूमन कंटैक्ट, ये इंसानी मिलाप से ज्यादा फैल जाता है। एक्सरसाइज 2.2 है, क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स है, और क्वेश्चन नंबर 5 है। सीरियली हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, इफ दे डिफर बाय 18, व्हाट आर द नंबर्स? चल मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा लेता हूं। दो नंबर्स है, ये किस रेशियो में है, किस तनासुब में है? 5:3, यानी दो नंबर्स इस रेशियो में है, 5:3, और इनमें डिफरेंस कितनी है? 18 की। यानी अगर बड़े नंबर को हम छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 18 बच जाता है। व्हाट आर द नंबर्स? ये नंबर्स क्या है, फिर मैं बता दूंगा। दो नंबर्स हैं, इनका जो रेशियो है, इनका जो तनासुब है वो 5:3 है, और इनकी जो डिफरेंस है, यानी फर्क इनमें है 18 की। व्हाट आर द नंबर्स? ये नंबर्स क्या है? नंबर्स मुझे मालूम नहीं, चलो मैं इनको सपोज कर लेता हूं। नंबर, लेट नंबर्स बी 5x एंड 3x। क्या नंबर्स मैंने सपोज किए? 5x एंड 3x। बाय द क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, मैं समझाता है, कहता है इनकी जो डिफरेंस है वो 18 की है। डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट, वो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18, यानी इनकी जो डिफरेंस है वो 18 की है। और 5x से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम 3x, तो 2x बनता है। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई, 2x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 9 जा x इज इक्वल टू 9। नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं, इन्हें हमने सपोज किए हैं नंबर्स 5x एंड 3x। 5 इंटू x के बदले क्या है अब? 9। 5 9 इज 45, पहला नंबर ये है। एंड सेकंड 3x, 3 इंटू x बदले क्या है? 9। 3 इंटू 9 27। गो, इसका मतलब है एक नंबर 45 है, दूसरा नंबर है 27 है। चलो चेक कर लेते हैं इसको, इनका जो रेशियो है वो 5:3 है, दैट मीन्स 45 डिवाइडेड बाय 27, यही रेशियो होता है। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27। इसका मत 5 डिवाइड बाय 3 क्या निकला? इसे 5 डिवाइड बाय 3 वही होता है 5:3। सो इसको जवाब देखने की कोई जरूरत नहीं। ऑन द लास्ट पेज ऑफ द बुक वायर आंसर्स आर गिवन, ये प्रूव हो चुका है क्वेश्चन। लेकिन क्या करना है आपको, आपको ये प्रैक्टिस करना है घर में। यू हैव टू प्रैक्टिस इट इन योर होम्स फॉर बेटर लर्निंग, अच्छी सीख के लिए क्या करना है आपको, ये प्रैक्टिस करना है, इसकी बातचीत करनी है। और मैथमेटिक्स एक ट्विस्टेड सब्जेक्ट है, थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है, इसमें आपको रोज प्रैक्टिस चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता मैथमेटिक्स सीख जाओगे। और घर में आपको बैठना है, घर में बैठने से क्या होता है, किताबों के साथ आप जुड़े रहोगे, इससे आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा। और दूसरी अहम बात में, जब आप घर में रहोगे, आप कोरोना से दूर रह जाओगे, आपकी जिंदगी बच जाएगी। थैंक्स, बी वेल सर।